दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड चार्ली। स्वागत है आपको फिर से रूल ब्रेकर में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फोन के हीटिंग के बारे में, कि किस लिए फोन हीट होता है और आपको हीट होने पर क्या क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही फोन हीट होता है। फोन, हर फोन हीट होता है। आईफोन 7 बोलिए, आईफोन 6 बोलिए, सैमसंग गैलेक्सी S6, S7 जो भी है, हर कोई फोन, मतलब सब फोन मतलब हीट होता है, लेकिन सिर्फ एक फोन को छोड़कर। वो फोन आप अगर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फोन हीट नहीं होता। इसको छोड़ कर दुनिया में सभी फोन हीट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका फोन ही हीट होता है। तो ये क्यों होता है? मान लीजिए हर कोई मैकेनिकल चीज़, जो भी मशीन हो या फिर टेक्निकल चीज जो भी हो, वो गर्म होता है। एक कार ज़्यादा चलता है तो गर्म होता है, एक मशीन ज़्यादा चलता है तो गर्म होता है, एक मोटर ज़्यादा चलता है तो गर्म होता है। आपका फोन भी, एक फोन के अंदर भी प्रोसेसर है, रैम है, वो हर वक्त चलता रहता है। फोन आप फोन अगर लॉक हो तो भी वो फोन चल रहा है। तो एक चीज़ जो चले जा रहा है, फोन हीट तो होगा ही। और ऐसे आपका जो कंप्यूटर है वो भी हीट होता है, लेकिन उसमें आपके अंदर में हीट सिंक फैन वैन होता है, इसलिए हीट जो है ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा ही आपका फोन भी हीट होता है, अगर हर वक्त काम करे तो हीट तो होगा ही। तो हीट क्यों होता है? तो देखिए, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोसेसर जब काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागता रहता है। आपको पता होगा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भागता रहता है। तो अब जितना ज़्यादा फोन काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन उतने जल्दी जल्दी भागता है। तो भागने से क्या होता है, एक दूसरे से टक्कर मारते हैं। तो एक दूसरे से जब टक्कर मारते हैं तो हीट जनरेट होती है। अब जब बेसिकली आप जब फोन को मतलब थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अगर छोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तब भी भाग रहा है, लेकिन धीरे धीरे भाग रहा है, इसलिए थोड़ा सा टक्कर होता है, थोड़ा हीट हो जाता होता है। वो आपको समझ में नहीं आता होगा कि फोन हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप फोन का अगर ज़्यादा प्रेशर डालें फोन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा तेजी से भागता है, इसलिए मतलब ज़्यादा टक्कर भी ज़्यादा होता है, इसलिए हीट जो है वो ज़्यादा जनरेट होती है। तो अब जो पहले वाला का जब फोन था, वो इतना मोटा होता था, इतना मोटा होता था, तो हीट को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम मिल जाता था, उतना भी हीट आपके हाथ में नहीं आता था। तो आपको मतलब आपको नहीं पता चला कि फोन हीट हुआ है। लेकिन अभी जो फोन है, फोन दिन ब दिन स्लिम होता जा रहा है। आपको 5 mm 6 mm का फोन चाहिए, दिन ब दिन फोन जो है स्लिम होता जा रहा है। तो आपको प्रोसेसर और आपके हाथ के बीच में कुछ मतलब सिर्फ बैक पैनल आता है, पहले उसके अंदर मतलब कोई गैप नहीं होता। गैप नहीं होता तो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होना, बहुत तबाह हो पाता। डायरेक्ट आपके प्रोसेसर से, बैक पैनल से आपके हाथ में आ जाता है, तो फोन जो है वो गर्म हो जाता है। अब जाना कि हर कोई फोन गर्म होता है, मतलब कोई फोन ज्यादा होता है, कोई कम होता है, लेकिन हर फोन गर्म होता है। लेकिन आपका फोन, मान लीजिए आपका फोन अभी चालू नहीं है, लॉक स्क्रीन में ऑफ है, फिर भी आपका फोन गर्म हो रहा है, तो वो आपका प्रॉब्लम है। एक्सेस जनरली आप फोन का यूज कर रहे हैं तो फोन हीट हो रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हर फोन में होता है, हीट तो होता ही। तो आपको पता चल गया कि हीट मतलब फोन कैसे होते हैं। अब इसको कैसे मतलब आपको कूल डाउन कैसे करें? तो आप अगर Xiaomi के यूजर हैं, MI का यूजर हैं, तो आपको आपके फोन में एक ऑप्शन होता है बैटरी में कूल डाउन का। आपका जो बैटरी का टेम्परेचर जो है 45 degrees से अगर ऊपर चला जाए, तो वो ऑप्शन देता है कूल डाउन करने के लिए, फोन कूल डाउन हो जाता है। और ऐसे आप Xiaomi के यूजर ना हो, तो आपको कूल डाउन करने का बहुत से तरीके हैं। जैसे आपको फोन बहुत गर्म हो जाए, हीट हो जाए, तो थोड़ी देर रख दें, थोड़ी देर यूज ना करें, या फिर स्विच ऑफ कर दें, या फिर मतलब जो प्रेशर रिसेंट आप क्लियर करते रहें, ऐसा करके हीट को मतलब छोड़ दीजिए, मतलब हीट नहीं होगा फोन। आप अगर फोन को इस तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन आप बैकग्राउंड में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं और गेम भी खेल रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, तो फोन तो हीट होगा ही। तो मल्टीटास्किंग जितना ज़्यादा करेंगे, फोन उतना हीट होगा। आप अगर मतलब आप पॉसिबल हो तो मल्टीटास्किंग कम कीजिएगा, एक साथ एक ही काम कीजिएगा फोन में, अगर आपका फोन हीट हो रहा है ज़्यादा, और रिसेंट ऐप है जो वो क्लियर करते रहिएगा। ऐसा अगर करते रहेंगे तो फोन हीट नहीं होगा। और दोस्तों, प्ले स्टोर पर या फिर बहुत जगह पर ऐसे बहुत सारे आपको एक ऐप मिल जाएगा, जहाँ पे वो देगा कूल डाउन का ऐप, मतलब आपका फोन को कूल डाउन करने के लिए, जो टेम्परेचर है वो घटाने के लिए। लेकिन इस ऐप में मत जाइए, कोई भी ऐप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको फोन का कूल डाउन नहीं कर सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसेंट ऐप क्लियर कर सकता है या फिर ऐप को फोर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन बाकी वो काम वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो सब जो ऐप है सब फेक ही है। कुछ ऐप तो मतलब रिस्की भी होता है, अपना डाटा जो है वो चुराता है। ऐसा मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन कौन ऐप हार्मफुल है।
तो ऐसा कोई ऐप मत डाउनलोड कीजिएगा, कोई भी ऐप आपको फोन का कूल डाउन नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन एक ऐप है, सात ऐप आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, सात ऐप सिर्फ एक ही ऐप है, वो आपको डाउनलोड लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐप क्या करता है, आपका जो रनिंग ऐप जो बैकग्राउंड में ऐप रनिंग चल रहा है उन सबको फोर स्टॉप कर देता है। तो क्या होता है, मतलब मल्टीटास्किंग जो ऑफ हो जाता है तो फोन उतना ज़्यादा हीट नहीं होता, और हीट होने के बाद भी वो कूल डाउन हो जाता है। लेकिन बाकी जो बहुत सारे ऐप होते हैं, बैटरी से बहुत सारा होता है, वो सब पैक है, उसमें कुछ नहीं होता। और हीटिंग के और कोई सॉल्यूशन तो मुझे पता नहीं है और होता भी नहीं होगा शायद। और एक्सटर्नल कूलर वूलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन अपने फ़ोन के साथ कूलर लेके घूमता है, वो लैपटॉप या पीसी में ही होता है। तो ये था फोन हीटिंग के बारे में जितना मुझे पता था, आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए ऐसे रूल ब्रेकर। जय हिंद।